बहुत से इम्पॉसिबल एंड कॉन्ट्रोवर्सियल चेंजेस किए आईफोन ने अपने खुद के सीरीज में। वैसे तो ये साल फोन नंबर सेल्स का काफी ज्यादा बड़ा साल चल रहा है, ये करते करते 2013 के बराबर आ गया। 2013 ये वही टाइम है जब एप्पल ने अपना एप्पल आईफोन 5S लॉन्च किया था, इसीलिए एप्पल ने अपने आईफोन 15 के ऑर्डर कम दिए, लेकिन प्रॉफिट तो मैनेज करना है। तो इनकी बेसिक स्ट्रेटजी होगी कि दुकान में जो सबसे महंगी चीज है उसे ज्यादा बेचा जाए। तो चलिए शुरू करते हैं 10 अच्छी चीजें जो आपको आईफोन 15 में देखने को मिलेगी, और लास्ट में 5 ऐसी चीजें जिसे देखकर आईफोन फैंस भी कहेंगे ये क्यों है। पहली चेंजेस देखने को मिलेगी डिस्प्ले में, जिसमें फैमिली के सभी मेंबर्स को मिलेगा डायनामिक आइलैंड, और प्रो मैक्स सीरीज में अप टू 2500 निट्स की पीक ब्राइटनेस भी मिलेगी। और ये दुनिया का पहला आईफोन ही नहीं, पहला फोन होगा जिसमें आपको सबसे पतले बेजल देखने को मिलेंगे, यानी कि दुनिया का थिनेस्ट बेजल वाला फोन भी कहलाएगा। ये पॉसिबल हो पाया लिप टेक्नोलॉजी से, जो कि आपको एप्पल वॉच 7 में भी देखने को मिला था, और चेंजेस आप देख सकते हो। इसके बाद जो चेंजिंग होगी बहुत लेट, लेकिन फाइनली ये फोन आपको टाइप सी के साथ देखने को मिलेगा, जो कि पॉसिबल हो पाया इनके ओर से। एप्पल अपने लाइटनिंग पोर्ट को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकता था, क्योंकि जो प्रोडक्ट इन्हें पर एनम $5 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट करके दे, वो इतनी आसानी से अपने प्रोडक्ट को कैसे छोड़ सकते थे। वैसे आईफोन 15 के पोर्ट्स में और आईफोन 15 प्रो के पोर्ट्स में भी आपको कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। आईफोन 15 में आपको USB 2.0 मिलेगा, और आईफोन 15 प्रो में आपको थंडरबोल्ट देखने को मिलेगा, जो कि स्पीड में चेंजेस आप देख सकते हो। वैसे इनके केबल्स में भी कुछ चेंजेस होगी, जो कि केबल इनकी हटाई नहीं जा रही है, आपको 1 मीटर से 1.5 मीटर की केबल मिलेगी, वो भी ब्रेडेड केबल, फोन के कलर से मैच केबल मिलेगी। अगली चेंजिंग होगी कैमरे में, जो कि 15 सीरीज के सभी फोन में मिलेगा 48 मेगापिक्सल का कैमरा, नंबर बढ़ा दिए गए हैं, और फैमिली के सबसे बड़े मेंबर को 3x टेलीस्कोप सेंसर को हटाकर मिलेगा 6x पेरिस्कोप लेंस, जो कि देखते हैं चांद के बड़े पिक्चर्स कौन कैप्चर करता है। एक एक्स्ट्रा बटन आ रहा है, ब्यूटीफुल अलर्ट स्लाइडर का सफर यहीं तक था, क्योंकि उसको रिप्लेस करने आ रहा है एक्शन बटन। प्रैक्टिकली देखे तो ये बहुत कुछ कर सकता है, नॉर्मल टास्क से लेकर अगर इसका लिंक शॉर्टकट ऐप से कर दिया जाए तो इसका यूज इन्फिनिटी हो जाएगा, जिसकी कोई लिमिट नहीं होगी, आप उससे कॉल साइलेंट और ETC बहुत सारे वर्क कर सकते हो। और चाइना के बाद मास प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया गया, वो भी लॉन्च से पहले, लॉन्च के 3 से 4 महीने बाद हो जाता, और ये यही तमिलनाडु में हो रहा। और एप्पल वाले चाहते हैं कि 2025 तक 25% ऑफ एप्पल प्रोडक्शन इंडिया में ही हो, इससे इंडिया और एप्पल में फायदा होने वाला है, कंज्यूमर लेवल पे इस पे घंटा फर्क पड़ने वाला है। नेक्स्ट चेंजिंग होगी परफॉर्मेंस में, इसमें आपको A17 बायोनिक चिप मिलेगा, जो कि दुनिया का सबसे पावरफुल स्मार्टफोन प्रोसेसर होगा, जो कि परफॉर्मेंस में आपको नेक्स्ट लेवल तो लेकर जाएगा ही, उसके बाद आपको कैमरे में भी आपको नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस निकाल के देगा, और दुनिया में इकलौता होगा जो कि 3nm पे बेस्ड है, काफी ज्यादा बैटरी एफिशिएंट होगा। 3 साल से जो बॉक्सी फ्रेम रिपीट हो रहा था वो इस बार चेंज हो गया, इसमें आपको बैक साइड में कर्व मिलेगा, जो कि इन हैंड ग्रिप थोड़ी बड़ी आएगी। एक और बड़ी चेंजिंग होगी फ्रेम में, जो कि 4 साल से रिपीटेटिव स्टेनलेस स्टील के फ्रेम आ रहे थे, उसको रिप्लेस करके इस बार आएगा टाइटेनियम का फ्रेम, जो कि वॉच अल्ट्रा में भी यूज किया गया था। ये स्टील के मुकाबले थोड़ा ज्यादा टफ होता है और उससे मजबूत भी होता है। कॉन्स की बात करें तो आईफोन 15 में आपको अभी भी 60Hz देखने को मिल सकता है। चार्जिंग की बात करें तो 35W का फास्ट चार्जिंग कौन लगाता है यार, जिसने भी इसे टाइप किया ना उसके हाथ कटवा देना चाहिए। एंड्रॉइड वाले हंसना मत, इसमें आपको 35W का फास्ट चार्जिंग मिलेगा, कम से कम 60W तो मिलना चाहिए था, और आईफोन 14 में हमें अप्रोक्स 25W मिलता था, उसमें भी वार्निंग आ जाती थी ओवरहीटिंग की। और आईफोन को एक और कॉन्ट्रोवर्सियल चेंजिंग करनी चाहिए, जो कि आईफोन को अपने फोन में वीडियो पॉज का ऑप्शन देना चाहिए। एंड्रॉइड वालों हंसना मत, इसमें आपको वीडियो पॉज का ऑप्शन नहीं मिलता है, अभी तक जितने भी आईफोन थे, हो सकता है आईफोन 15 में मिले। और एक चेंजिंग और आ सकती है, फैमिली के जो सबसे बड़े मेंबर है, जो कि 15 प्रो मैक्स कह सकते हैं, उसका नाम चेंज होकर 15 अल्ट्रा भी हो सकता है, इसमें भी चेंजिंग आ सकती है। ओवरऑल आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।